जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक 3 BHK फ्लैट के बारे में, और इस फ्लैट के अंदर बहुत बहुत सारी खास बातें हैं, और उन खास बातों में से दोस्तों एक बात ये है कि ये सिंगल यूनिट का फ्लैट है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 4 ही फ्लैट आपको मिलेंगे, एक फ्लोर पर सिर्फ एक ही फ्लैट अवेलेबल है। फ्रंट इसका बहुत अच्छा है, ये इसकी दूसरी खासियत है, 25 फीट का इसका फ्रंट है दोस्तों। गाड़ी पार्किंग इसमें आपको मिलेगी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, आपको लोन भी यहाँ इजीली मिल सकता है। मेन मेट्रो लाइन से इसका जो डिस्टेंस है दोस्तों वो करीबन 500 या 600 मीटर के आसपास है। जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इस बिल्डिंग का वो द्वारका मोड मेट्रो स्टेशन है, और वो यहाँ से दोस्तों करीबन 800 या 850 मीटर के डिस्टेंस पर है। आसपास की लोकेलिटी काफ़ी अच्छी है, आसपास में आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर दोस्तों पार्क हो, या फिर लोकल मार्केट हो, सारी की सारी चीज़ें आपको नियर बाय मिल जाती हैं। द्वारका मोड़ से नज़दीक होने पर दोस्तों आपको द्वारका के सारे बेनिफिट भी आपकी इस बिल्डिंग में मिलते हैं, क्योंकि द्वारका मोड़ पार करने के बाद बड़े बड़े पार्क, कॉलेज, स्कूल, सारी की सारी चीज़ें आपके एक रीच में आ जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है दोस्तों, काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा फ्लैट है। इस फ्लैट के अंदर जितने भी हमारे बेडरूम्स हैं, हमारा लिविंग स्पेस है, हमारी किचन है, हमारे वॉशरूम्स हैं, सारे के सारे अच्छे हैं दोस्तों, क्योंकि इसका फ्रंट काफ़ी अच्छा है। और जिस बिल्डिंग का, जिस फ्लैट का फ्रंट अच्छा होता है, उस बिल्डिंग का जो नक्शा है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छा निकलता है दोस्तों। और ऊपर से इसकी जो मेकिंग है वो मेकिंग भी बड़ी शानदार है, बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर ये पसंद आने वाली है। तो चलिए दोस्तों एक छोटी सी विजिट शुरू करते हैं आपके इस फ्लैट की। और दोस्तों एक और ख़ास बात है कि इसका जो प्राइस है, इसकी जो कीमत है, वो भी आपको चौंका देगी, क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम है दोस्तों। ऑलमोस्ट 25 फीट की रोड पर प्रॉपर्टी है, विद कार पार्किंग है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, और दोस्तों जिस कीमत पर आपको ये मिलेगी निश्चित तौर पर आप खुश हो जाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, और मिलते हैं इस वीडियो क्लिप के बाद। वेलकम दोस्तों, आपके अपने फ्लैट में आपका स्वागत है। तो ये है दोस्तों आपका 3 BHK 80 स्क्वायर यार्ड इंडिपेंडेंट फ्लोर।
इसकी विजिट शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले आपके लिविंग स्पेस से। लिविंग स्पेस में दोस्तों एंट्री करने के बाद हमें सबसे पहले जो स्पेस मिलता है वो सोफे का मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एल टाइप का सोफा आप यहां पर लगा सकते हैं, और इसके बाद ठीक सामने आपको यहां पर टीवी पैनल मिलता है। काफी बड़ा टीवी पैनल यहां लगाया गया है दोस्तों, और काफी अच्छे से इसे डेकोरेट भी किया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि आपको डिजाइनर वॉल मिलती है दोस्तों। इस फ्लैट के अंदर जो टाइल वर्क किया गया है, ये टाइल भी दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है। डबल चार्ज की ये टाइल्स हैं, स्क्रैचलेस टाइल हैं, तो सालों साल ये टाइल ऐसे ही चमकने वाली है दोस्तों, आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। इस रूम के अंदर एसी लगाने के लिए भी आपको प्रॉपर प्रोविजन मिलता है, प्रॉपर फिटिंग आपको मिलती है, क्वालिटी फिटिंग करा गई है दोस्तों। आपको सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर ही इंस्टॉल करना है, बाकी सारा काम हम लोगों ने आपके लिए कर दिया है। फॉल सीलिंग की बात करें दोस्तों, तो बहुत प्यारी गेटअप हमारी फॉल सीलिंग की है विद एलईडी लाइट और विद कॉब लाइट। आपका जो कंप्लीट एरिया है, चाहे वो लिविंग स्पेस हो, और लिविंग स्पेस से ठीक सामने किचन तक का जो पूरा ये ओपन स्पेस है, इसे पूरी सीलिंग कवर करती है दोस्तों, और बहुत प्यारी और बहुत अच्छी गेटअप आपकी इस सीलिंग की यहां पर आ रही है। जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगने वाला है। और आपके इस प्यारे लिविंग स्पेस का जो साइज है दोस्तों, वो करीबन 10 फीट बाय और लगभग 17 फीट का है दोस्तों, तो काफी अच्छा लिविंग स्पेस आपको यहां पर मिल जाता है। चलिए लिविंग स्पेस के बाद मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले आपकी किचन की। यहां से दोस्तों हमारी किचन स्टार्ट होती है, किचन ओपन किचन दी गई है। ओपन किचन का कंसेप्ट दोस्तों आपको पता ही है कि आजकल नॉर्मल है, चल रहा है। इसे अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा कवर भी आप करा सकते हैं किसी पार्टीशन से। आजकल काफ़ी सारे कर्टन्स भी आ रहे हैं जो कि किचन के और आपके लिविंग स्पेस के बीच में लगते हैं, अगर आप कहेंगे तो वो भी हम आपको लगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं किचन की। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रिज के स्पेस की। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा स्पेस आपको यहाँ फ्रिज रखने के लिए मिल जाता है। आप बड़ा फ्रिज भी दोस्तों यहाँ इजीली रख सकते हैं, इवन उसके लिए स्विच एंड सॉकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। किचन का साइज काफ़ी अच्छा दोस्तों, ऑलमोस्ट अगर साइज की बात करें तो करीबन 10 फीट बाय और लगभग 8 फीट की दोस्तों हमारी किचन है। एल टाइप का आपको यहाँ टॉप मिलता है, यहाँ मोल्डिंग वर्क आपको मिलता है। नीचे और ऊपर दोनों जगह आपको प्रॉपर स्टोरेज मिलती है, नीचे आपको प्रॉपर बास्केट्स मिलती हैं, और बास्केट्स में जो काम किया गया है दोस्तों वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं कि जो स्टील यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छा है, और जो चैनल्स यूज़ किए गए हैं वो भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरफ दोस्तों आपको वॉशिंग एरिया मिलता है, आप अपने जो बर्तन है वो साफ कर सकते हैं। इस तरफ आपको शाफ्ट मिलती है ताकि वेंटिलेशन आपको प्रॉपरली आपकी किचन में मिलती रहे। यहाँ दोस्तों आपको करीबन 5 फीट की हाइट तक टाइल्स भी मिलती हैं। इस तरफ आप देखेंगे दोस्तों तो वाइट कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, और ऊपर भी आप देखेंगे इस तरफ कि काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपको मिल जाती है। यहाँ आपको गीजर या फिर आरओ लगा सकते हैं। चिमनी हम लोग आपको लगा कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सेमी मॉडुलर किचन आपको मिलती है। ये थी दोस्तों आपकी प्यारी सी किचन। किचन के बाद अब हम लोग बात करेंगे आपके पहले बेडरूम के बारे में। तो ये है दोस्तों हमारा पहला बेडरूम, जिसका साइज है करीबन 10 फीट बाय और 9.5 फीट का। दोस्तों काफी अच्छा स्पेस इसमें आपको मिलता है दोस्तों। आप यहाँ 6x6 का बड़ा बेड लगा सकते हैं। इस तरफ आपको डिजाइन काफी अच्छे मिलते हैं आपकी वॉल के, और जो काम किया गया है दोस्तों आपको जरूर इसमें वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि जो क्वालिटी वर्क है, जो वॉल्स पे काम किया गया है, जो पेंट वर्क किया गया है, वो भी यहाँ पे काफी अच्छा आपको मिलता है। सीलिंग की बात करें दोस्तों, तो अगेन यहाँ पर भी आपको जो सीलिंग के डिजाइन हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं विद एलईडी लाइट एंड कॉब लाइट्स। इस रूम में भी ये शाफ्ट दोस्तों हमें कवर करती है, यहाँ भी हमें वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ भी आपको एक शाफ्ट मिल जाती है। तो जब आप शाफ्ट ओपन करेंगे तो आपको वेंटिलेशन प्रॉपरली यहाँ पर मिलता रहेगा। ये है दोस्तों हमारा पहला बेडरूम। इस बेडरूम के बाद अब हम लोग बात करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के बारे में। दोनों ही बेडरूम दोस्तों हमारे बाकी फ्रंट की तरफ हैं, दोनों का ही बालकनी से एक्सेस है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे पहले बेडरूम की तरफ। ये है दोस्तों हमारा सेकेंड बेडरूम, जो कि बालकनी के साथ भी हमारा अटैच है। साइज का काफी अच्छा है दोस्तों, करीबन 11 फीट बाय और 11 फीट का हमें हमारा ये सेकंड बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम में आप मास्टर बेड लगा सकते हैं दोस्तों, 7 फीट बाय और 7 फीट का बेड भी आप यहां पर इजीली लगा सकते हैं, और उसके बाद भी आपको दोनों तरफ काफी अच्छा खासा स्पेस रोम अराउंड करने के लिए मिल जाता है। इस तरह दोस्तों आपको अगेन एक डिजाइनर वॉल मिलती है। फॉल सीलिंग के डिजाइन यहाँ भी आपको काफी अच्छे मिलते हैं विद एलईडी लाइट एंड कॉब लाइट। दोस्तों इस रूम के अंदर आपको एक अलमीरा मिलती है, वार्डरोब मिलती है रूफ हाइट तक की,
नीचे आपको इसके अंदर ड्रॉज मिलती है, और क्योंकि ये बालकनी के साथ अटैच रूम है दोस्तों, तो काफी बड़ी विंडो भी आपको मिलती है। इस रूम में आपको विंडो एसी लगाने का प्रॉपर प्रोविजन मिलता है, हम लोग बीच में सेफ्टी ग्रिल और देन उसके बाद आपको जो ग्लास वाली विंडो है वो यहां पर आपको देते हैं। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं आपकी बालकनी की तरफ। ये है दोस्तों हमारी बालकनी, जिसकी लेंथ करीबन 14 फीट की है और इसकी चौड़ाई करीबन 3.5 फीट की है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर स्पेस आपको मिलता है, यहाँ वॉशिंग एरिया आपको मिलता है दोस्तों, टैब लगा हुआ है, स्विच एंड सॉकेट लगी हुई है, तो आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन इजिली लगा सकते हैं। जहाँ वॉशिंग मशीन का स्पेस है यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा रखी गई है। रूफ हाइट तक की दोस्तों आपको टाइल्स मिलती हैं, टाइल्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं, जिससे कि आपकी एलिवेशन भी अच्छी लगती है और दोस्तों आपकी जो गेटअप है बिल्डिंग की वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ आपको मिल जाती है। इस तरफ आपको स्टील की रेलिंग मिलती है दोस्तों, 304 का स्टील है हमारी हर बिल्डिंग की तरह, यहाँ भी 304 के स्टील का इस्तेमाल किया गया है और आपको कभी भी परेशानी नहीं आने वाली दोस्तों, ये हमेशा स्टील ऐसे ही चमकता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम भी है। ये दोस्तों हमारा थर्ड बेडरूम है और इसका साइज भी काफ़ी अच्छा है, आपको करीबन 10.5 फीट बाय 10 फीट का आपको ये रूम मिलता है। इसमें भी दोस्तों आपको जो आपके बेड की प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका 6x6 का बेड आ सकता है। और दोस्तों एक और ख़ास बात है इस फ्लैट के अंदर कि जितने भी डायरेक्शंस आपकी बेड की रहेंगी वो सारी वास्तु के हिसाब से रहेंगे दोस्तों, आप ईस्ट की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ ही आपका जो सिरहाना है वो रहेगा, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों इस फ्लैट के अंदर। चलिए बात करते हैं हमारे रूम के बारे में, तो इसमें आपको एक तरफ डिजाइनर वॉल मिलती है, यहाँ भी अगेन आपको फॉल सीलिंग के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं दोस्तों। इस रूम में दोस्तों आपको स्प्लिट एसी की फिटिंग मिलती है, आपको इंडोर एंड आउटडोर ही इंस्टॉल करना है। तो चलिए बात करते हैं आपके वॉशरूम के बारे में दोस्तों, ये अटैच वॉशरूम है जिसका साइज करीबन दोस्तों 6.5 फीट बाय 4.5 फीट का है, काफ़ी अच्छा साइज है दोस्तों। इसमें सारी फिटिंग्स आपको क्वालिटी की मिलती हैं, आपको प्रॉपर विंडो मिलती है, आप यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, सफोकेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वॉशरूम के अंदर भी दोस्तों आपको फॉल सीलिंग मिलती है और आपको LED लाइट्स मिलती हैं, कॉप लाइट्स मिलती हैं, रूफ हाइट तक की टाइल्स आपको मिलती है दोस्तों, नीचे नॉन स्लिपरी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको वेल फिटेड मिलती हैं और अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा मास्टर बेडरूम हमारा अटैच वॉशरूम के साथ। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ आपके कॉमन वॉशरूम की तरफ दोस्तों। ये है दोस्तों हमारा कॉमन वॉशरूम और इस वॉशरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं करीबन 6.5 फीट बाय 4.5 फीट का हमारा ये वॉशरूम है। इस वॉशरूम में भी दोस्तों आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिलता है, रूफ हाइट तक की आपको टाइल्स मिलती है और यहाँ भी आपको फॉल सीलिंग के डिजाइन काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। इस वॉशरूम में दोस्तों प्रॉपर डाइवर्टर लगाया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फिटिंग्स की गई हैं और एक वॉल पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको हाईलाइटर टाइल्स मिलती हैं, जिससे कि आपका वॉशरूम काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी गेटअप देता है। तो ये था दोस्तों हमारा 3BHK का वाइड फ्रंट का इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार फ्लैट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्लैट ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों इस फ्लैट के जो रेट हैं वो काफ़ी कम हैं, लेकिन मैं वो वीडियो पर डिस्क्लोज आपको नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जो पार्टनरशिप है इस फ्लैट को लेकर वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, लेकिन दोस्तों आप भरोसा कीजिए कि जब आप कॉल करेंगे, जब आप विजिट करेंगे, तो ये फ्लैट आपको बहुत रीजनेबल और बहुत सस्ता मिलने वाला है। और हर बार की तरह दोस्तों हम आपको फ़ोन पर भी इसका फाइनल रेट दे सकते हैं। फाइनल रेट लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल पर आकर बैठें या फिर आप हमारे सामने पैसे रखकर बात करें, हमारा वो कल्चर नहीं है दोस्तों, आप फ़ोन करके भी हमसे फाइनल रेट ले सकते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी, आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा, मैं आपसे विदा चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।